मौसम बदलने से बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी लगा ही रहता है और उनको तीखा तीखा खाड़ा पीना पसंद भी नहीं आता तो आज मैं आपको अदरक की कैंडी यानी वड़ी बताऊंगी जो बच्चे बड़े चाव से मांग मांग कर खाएंगे। ये हेल्दी तो है ही साथ ही इतनी टेस्टी है कि बच्चे इसे कैंडी की तरह खाना पसंद करेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो आज मैं आपको अदरक की ऐसी टेस्टी रेसिपी बताऊंगी जिसे बड़े तो क्या बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे और आप सभी को पता ही है अदरक हमारे सेहत के लिए और खास कर सर्दियों में कितना अच्छा होता है अदरक में सभी प्रकार के विटामिन और मिनरल्स होते हैं और सर्दियों में इसे जरूर से खाना चाहिए अदरक में आयरन पोटेशियम फॉस्फोरस जिंक ऐसे बहुत से विटामिन मिलते हैं लेकिन अदरक का टेस्ट थोड़ा सा तीखा होता है इसलिए बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते और हम भी इसे ऐसे ही खा नहीं पाते हैं इसलिए आज हम ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी अदरक लिया है जिसे अच्छे से वॉश करके उसका छिलका निकाल लिया है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है अब हम इसको ग्राइंड करेंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है इसमें पानी नहीं डालना है पेस्ट बनाते वक्त इसे हमें बिना पानी डाले ही ग्राइंड करना है तो देखिए यहाँ पे बढ़िया सी पेस्ट हमारी बनकर तैयार है जितना हो सके उतना हमें इसका बारीक पेस्ट बनाना है ताकि इसके कोई चंक्स ना रहे तो अब हम इसको एक कढ़ाई में निकाल लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई को मैंने अभी से गैस पर नहीं चढ़ाया है पहले हम इसको ऐसे ही मिलाएंगे तो सभी पेस्ट को मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है अब हम इसमें गुड़ डालेंगे इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे मैंने एक कप अदरक के लिए डेढ़ कप गुड़ लिया है यानी कि गुड़ का पाउडर यूज़ किया है मैंने यहाँ पे अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को ऐसे बारीक किस कर या कद्दूकस करके ले लीजिए उसको बारिक पाउडर बनाकर और इसमें हम आधा कप से भी कम पानी डालेंगे आप इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं लेकिन चीनी से बेहतर गुड़ ही होता है इसलिए आज हम बहुत ही हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हमने गुड़ का यूज़ किया है तो यहाँ पे देखिए आधा कप से भी कम हमने इसमें पानी डाला है अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे आप इस बात का ध्यान दीजिए कि हमने अब तक कढ़ाई गैस पर नहीं रखी है पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे क्योंकि गुड़ जल्दी से मेल्ट होने लगता है और जल्दी से वो पक जाएगा तो कड़वापन देगा अब हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और और इसे हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है बिल्कुल भी गैस बढ़ाना नहीं है तो इसको अच्छे से अब चलाते हुए हम पकाएंगे। गैस की फ़्लेम को हमें हाई नहीं करना है नहीं तो क्या होगा गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और जलने लगेगा तो यहाँ पे देखिए अदरक के कुछ मोटे पीसेस है उसे मैं निकाल लूँगी क्योंकि अगर मोटे पीस दांत में आएंगे ना खाते वक्त तो एकदम से तीखे लगेंगे तो बच्चे भी इसे खाना नहीं पसंद करेंगे इसलिए इसको जब भी बट मोटे पीसेस इसमें आपको देखिए तो उसे निकाल लीजिए तो देखिए यहाँ पे गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है लेकिन हमें अभी इसको अब पकाना है तब तक हम किसी भी प्लेट को या किसी बर्तन को घी से ग्रीस कर लेंगे इसको हमें जमाना है इसलिए घी से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए इसको तो आज मैं इसको चकले पे ही बना रही हूँ ताकि ये प्लेन होता है ना इसलिए आप चाहे तो प्लेट में भी इसको जमा सकते हैं तो इसे हम आप साइड में रख देंगे और यहाँ पे देखिए हमारा ये कैंडी का मिश्रण भी अच्छे से पक रहा है इसे चलाते रहना है क्योंकि गुड़ नहीं तो नीचे से लग जाएगा अब ये पका या नहीं कैसे देखेंगे इसके लिए एक ट्रिक है देखिए एक प्लेट में पानी लीजिए उसमें थोड़ा सा मिश्रण डालिए थोड़ा सा ड्रॉप्स इसमें डाल दीजिए और इसको तीस से चालीस सेकंड के लिए साइड में रख दीजिए इसका टेस्ट और भी इन्हेंस करने के लिए हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे मसाले के तौर पे हम इसमें नमक डाल रहे काला नमक आधा चम्मच और रेगुलर नमक डालेंगे आधा चम्मच से भी कम नमक आप इसमें थोड़ा सा कम ही डालिए क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालना चाहिए और यहाँ पे हम डालेंगे आप इलायची का पाउडर ताकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि ये खाने में तीखा होता है ना अदरक तो इलायची का टेस्ट हमें बैलेंस करेगा तीखे को सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और इसे और एक से दो सेकंड के लिए पकाएंगे तो पका या नहीं ये देखने के लिए दूसरा तरीका देखिए आप ऐसे उंगली पर लीजिए दोनों उंगली को ऐसे दोनों उंगली के बीच में ऐसे इसको थोड़ा सा रफ कीजिए तो देखिए एक तार निकल रहा है ऐसे एक तार दिख रहा होगा आपको देखिए तो समझ लीजिए ये पक चुका है ऐसा अगर आप नहीं कर पाते हैं ये गर्म होता है इस वक्त उंगली पर आप नहीं चेक कर सकते तो पहला तरीका आप यूज़ कीजिए जो हमने प्लेट में रखा था पानी में थोड़ा सा डालकर तो देखिए प्लेट में भी हम चेक करेंगे तो देखिए ऐसे हाथ पर ऐसे लेंगे तो ऐसे गोली जैसे बननी चाहिए इसकी इस ये चिपक नहीं रहा है हमारे हाथों पर और गोली बन रही है तो समझ लीजिए ये मिश्रण यहाँ पे तैयार है सेट होने के लिए एक सेकंड के लिए अब हम इसको घुमाएंगे और इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे ताकि ये जल्दी से जम जाए और अच्छे से पका हुआ मिश्रण है हमारा देखिए तीसरा तरीका देखिए इसे कढ़ाई को छोड़ता है ये आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और ये जो बबल्स है ना ऐसे रहेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत गर्म होता है तो जहाँ पे हमने घी से ग्रीस किए हुए बर्तन में अब हम इसे डाल देंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी को आप चेक कर सकते हैं देख सकते हैं वीडियो में तो इसको फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती अपने आप ही सेट हो जाता है अब यहाँ पे देखिए आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे थोड़ा सा ठप ठप आएंगे ना तो अपने आप ये सेट हो जाएगा अगर आपको पसंद हो तो आप इसके ऊपर थोड़े से सोप का पाउडर भी डाल सकते हैं वो भी हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है और अब हम इसमें थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है अब तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है अब इसे इसमें कट लगाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो इसमें हम कट नहीं लगा पाएंगे तो आप कितनी बड़ी या छोटी वड़ी बनाना चाहते उस हिसाब से कट लगाइए इसकी हमें छोटी छोटी वड़ी बनानी होती है ताकि एक वड़ी हम आसानी से खा पाएँ चार से पाँच घंटे के बाद अब हम इसको निकालेंगे इस तरह से अदरक की वडी आप एक बार ज़रूर बना के देखिए तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से वडी निकल रही है टेस्टी और हेल्दी अदरक की वडी आप एक बार ज़रूर बनाइए और एक खाने में तीखी नहीं लगेगी आप एक बार बना के ज़रूर देखिए क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है इलायची का पाउडर डाला है और गुड़ डाला है इसकी इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है बच्चे तो इसे कैंडी की तरह खाना पसंद करेंगे आप चाहें तो इससे भी छोटी इसकी साइज़ रख सकते हैं वड़ी की सर्दियों में अगर रोज़ एक वड़ी आप खाएंगे तो आपको ना ही सर्दी होगी खांसी होगी ना ही आपका गला बटेगा बहुत ही बढ़िया टेस्टी हेल्दी रेसिपी है आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे आप एक महीने दो महीने छः महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा रही हूँ देखिए बिल्कुल भी चीवी नहीं बनी है तो आपके हेल्थ के साथ साथ टेस्ट का भी ध्यान रखने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो मिलती है नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय